सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूं आपके अपने सिमरन। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी इमोशनल होगी। वीडियो में क्या हुआ ये आप वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपसे मिलती हूं वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी, अरे यहाँ पे कोई शॉप है, सी सी डी है यहाँ पे आस पास कहीं? यार पास में थोड़ा सा। पास में कहाँ पे? आगे चल के किसी से भी पूछ लीजिए, यहीं पर पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तुम चल लो या तुम छोड़ दो, मेरे को तो पता ही नहीं यार। चलोगे? आप कौन हो? मेरा नाम सिमरन है। ना सिर, बट मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, प्लीज़ मेरे को। आप यहाँ पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं बैठ सकती हूँ वैसे यहाँ पे? श्योर। बहुत देर से ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। और पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। आप किसी और को बोल दीजिए, वो बता देंगे आपको। तो यार तुम बता ही रहे हो तो तुम चल ही लो यार मेरे साथ। नहीं, मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला है भी नहीं, क्या पता तुम कंपनी दे दो इसलिए। नो मैम। पानी लोगे? थैंक यू। वैसे आप अकेले यहाँ पे बैठे हो या किसी का वेट कर रहे हो कुछ? यस। अकेले बैठे हो या किसी का वेट कर रहे हो? पूछ मैम, अकेला बैठो मैम, प्लीज कहीं और जाके किसी और से। अरे यार मैं बोर हो रही हूँ ना अकेले, तो मैं सोच रही हूँ तुमसे थोड़ी देर बात कर लूँ। तुम बात कर सकते हो मेरे से? मैं बोर हो गई ना तब से अकेले घूमते घूमते। चलोगे मेरे साथ डेट पे? डेट पे मतलब कॉफ़ी पीने चलते हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे डेट पे जाना हो तो। तुम अच्छे लग रहे हो मुझे, काफ़ी देर से मैं तुम्हें नोटिस कर रही थी ना। मैम देखियो, इतना बड़ा तुम्हारी आंखें रियल है या लेंस लगाया तुमने? अच्छी लग रही है यार तुम्हारी आंखें। क्या हो गया? कोई नहीं, आंखों की तारीफ करता था पहले। मुझे लगा तुम धोखा खाए बैठे हो, इन आंखों की कोई तारीफ करता था मतलब अब नहीं है। प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो। कोई प्रॉब्लम है कि मतलब गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया क्या, या गर्लफ्रेंड छोड़ कर भाग गई तुम्हारी? लग तो यही रहा है जैसे तुम बोल रहे हो। कोई नहीं, नई गर्लफ्रेंड पटा लो यार, लड़की आ तो गई है, एक बात करने तुमसे। चलते हैं साथ में, फिर उसको फोटो भेजना, चढ़ाना उसे, खिलसाना मेरी नई गर्लफ्रेंड बन गई। मैं भी यहीं रहती हूँ पास में, तुम कहाँ रहते हो? यार चल दो ना यहीं पे, ऐसे सीढ़ी हो, पैसे मैं दूंगी, तुम्हें नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जाना, आप किसी और के साथ चले जाओ ना। अमीर हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है, सोच लो, होने वाली गर्लफ्रेंड। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को यार, मैं खुद ही चला जाता हूँ यार आपको, तो आप तो जाओगे नहीं ऐसे। अरे क्या हुआ, सुनो यार, ये तो ओए हेलो, इसको क्या हो गया? Excuse me. यार पानी। हेलो क्या हुआ? यस। उठो, क्या हो गया तुम्हें, ठीक हो तुम? ठीक हो तुम? हाँ। एक मिनट उठो यार, कपड़े सारे गंदे हो गए तुम्हारे। क्या हुआ तुम्हें, अचानक बेहोश गिर गए तुम एकदम से? ये लो तुम्हारा फोन, पकड़ो पहले। उठो, एक मिनट, उठो जल्दी, उठो, उठ जाओगे? उठो, बैठो यहाँ पे, एक मिनट बैठो। पानी लो, तुम पानी पियो। तब सर नासिर, पानी पियो प्लीज, ये लो। क्या हुआ है यार, रो क्यों रहे हो यार? कोई प्रॉब्लम है तो तुम बताओ ना। ये लो हैंग के लो पहले, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकते हो। मैं तो देखो एक्चुअली ना, सुनो मेरी बात सुनो, उधर कैमरा लगा हुआ है सामने, मैं तुमसे मजाक करने आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। yes. ठीक है, वो कैमरा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी तुमसे, और ये अचानक तुम बेहोश हो गए जाके। अच्छा ये बताओ, ये मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ वैसे भाई? ये बताओ क्यों करना चाहते हो आप रिकॉर्ड? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो।
ये बताओ, ये मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि कैमरा लगा हुआ है और अब एकदम से मैं तुमसे मजाक करने और तुम ऐसे बेहोश हो गए, कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकते हो मुझसे। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया है। धोखा दिया है? कैसा धोखा? मतलब तो धोखा दिया है तो तुम इतना वो डिप्रेस क्यों हो रहे हो? मतलब क्या हो गया? मतलब उसने धोखा नहीं दिया, उसके घर वाले मुझसे बात नहीं करने दे रहे, ब्लॉक करवा दिया मुझे उससे। क्यों, किस रीजन पे? ये फोन पकड़ो अपना पहले। मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, ये कोई रीजन होता है रिलेशनशिप का? हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। क्या नाम है उसका? सीमा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की तुमसे प्यार करती है? हाँ। तो फिर वो क्यों नहीं बोल रहे? घर वाले नहीं मान रहे, और उसके मतलब कि वो अपने घर वालों के कहने पे मुझसे बात नहीं कर रही है। उसने मेरे को ब्लॉक करवा, उसके घर वालों ने मुझसे ब्लॉक करवा दिया। तो एक बार उससे बात करो, क्या पता मान जाए, कुछ सॉल्यूशन निकालो ना। ये मतलब तुम इतना रो रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्या क्या दिक्कत है इसमें? तुम जाके उसके घर वालों से बात करो जाके। नहीं, बात करने देते मुझे उससे, कुछ ब्लॉक करवा रखा है मुझे ना, उसको घर से भी नहीं निकलने देते। अच्छा, ये उससे बात करके कुछ हो सकता है, ये बताओ। आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, बात होगी उससे नहीं हो पाती। तुम्हारा नंबर ब्लॉक है, मैं उससे कॉल करूँ? एक बार प्लीज मेरी बात करवा दो उससे, प्लीज। एक अच्छा, पूरी वीडियो बना के कुछ भी करो, बट मेरी बात करवा दो उससे प्लीज मैम। मैं एक मिनट, नंबर बनाओ। ये नंबर है इसका। ओके, सीमा नाम है? सीमा नाम है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ और सांस संबंधी स्वच्छता का पालन करें। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी बन सकती है। खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, तुरंत राज्य हेल्पलाइन या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अभी घर पे ही है। हाँ, उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सिमरन बोल रही हूँ। कौन सिमरन? अरे मैंने एक्चुअली यहाँ पे पार्क में आई थी, आप नासिर को जानते हो? नासिर? जी जी जी, बताइए। वो यहाँ पे पार्क में था, मैं उससे बात करने आई और ये बहुत रो रहा है। तो यार क्या करूँ, मैं रो रहा था। तो यार तुम उसकी सिचुएशन समझो यार, अगर तुम उससे प्यार करती हो, वो भी तुमसे प्यार करता है, अगर घर वाले नहीं माने तो घर वालों को मनाओ। एक बार इसकी सिचुएशन तो देखो, तुमने इसको अकेला छोड़ दिया, नंबर ब्लॉक में डाल रखा तुमने इसका। अभी तो समझो ना कि मेरी कम्युनिटी बिल्कुल अलग है, आप खुद समझदार हो। तो ये आपको, अगर आप प्यार करते हो तो अपने घर वालों को मना सकते हो ना, ये मतलब इसका नंबर ब्लॉक में डालने की आपको क्या जरूरत है? अरे यार कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, नहीं तो मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अगर मान जाते यार, मैं क्यों डालती ब्लैकलिस्ट में नंबर? अरे नहीं, चलो पेरेंट्स नहीं मान रहे, तुम एक बार इससे मिलके सॉर्ट आउट तो करो। पता है तुम्हें, ये अभी यहाँ पे बेहोश हो गया है। क्या? और अभी मैंने इसको बताया, मैं इससे बात करने आई हूँ, बात करते करते कुछ बताया नहीं, और एकदम जब जाने लगे तो वहाँ पे गिर गया ये एकदम से। कहाँ, कहाँ, कौन सी जगह? यार यमुना विहार है ना, यमुना विहार में यहाँ पे है, गणेश मंदिर के पास सी ब्लॉक का पार्क है। सी ब्लॉक के पार्क में हूँ मैं अभी। कितनी देर में आ जाओगे तुम, ये बताओ मुझे। ठीक है, कैसे भी करके आओ यहाँ पे। हाँ, कैसे भी करके आओ, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे एक बार आओ, इससे बात करो, ये बहुत परेशान है। आ रही है वो आधे घंटे में, वो खुद आके यहाँ बात करेगी, तुम फोन पे बात मत करो, खामा का और परेशान हो गए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, ठीक है, वो अभी आ रही है, देखते हैं क्या होता है, बात करो उससे, सॉर्ट आउट करो, घर वालों को मनाओ जाके उससे, कैसे भी करके कुछ करो, ऐसे कुछ डिप्रेशन में कुछ कर लो, क्या फायदा उससे प्यार, बट उसके घर वाले एग्री नहीं हो रहे हमारी रिलेशनशिप को लेके। अब आ रही है वो, बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सॉर्ट आउट करो तुम, ऐसे परेशान मत रहो यार, तुम एकदम से लाइक बेहोश हो गए, आगे ऐसे कर लोगे अपनी लाइफ खराब हो जाएगी, क्या फायदा? घर में देखो माँ बाप भी तो हैं तुम्हारे, उनके बारे में तो सोचोगे, अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता तुम्हारे माँ बाप क्या होता उनका? मम्मी पापा हैं घर में, कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और मैं और सिस्टर। देखो बताओ, पूरी फैमिली को देखना होता है ना, अब ऐसे अब तुम यहाँ हो, अब कोई नहीं होता, मैं नहीं होती यहाँ पे, कोई और देखता क्या होता फिर? देखो हम, देखो एक वीडियो शूट कर रहे हैं, ये बता दो ये वीडियो मैं डाल सकती हूँ?
मैम प्लीज़ कुछ भी करिए, वीडियो डालिए, कुछ भी करिए, बट मेरी एक बार मिलवा दो उससे, मेरी बात बस वो आ रही है, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता देना, अभी आ रही, देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है, सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा बहुत। सो गाइज, मुझे नहीं पता था ये ऐसी वीडियो, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा इसके साथ। मैं तो मजाक करने आई थी वीडियो शूट करने, बट ये बहुत परेशान है। अभी मैंने इसकी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, किसी टाइम भी आधे घंटे में वो आएगी, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी यार, अगर ऐसा कुछ है, हिंदू मुसलमान सब एक रिलीजियस को लेके, तुम लड़का लड़की को अलग नहीं कर सकते, एक बार पेरेंट्स से बात करो। और किसी रिलेशनशिप में आके यार खुद को नुकसान मत दो, क्योंकि आपके पीछे पूरी आपकी फैमिली है, आप उनको भी तो देखोगे। पहले बात करो, सॉर्ट आउट नहीं होता है तो देखो क्या होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो मत ख़राब करो। जैसे ये अभी बेहोश हो जाता है, इसके घर वाले होते क्या, उनकी उन पर क्या बीतती, अब देखते हैं लड़की आती क्या बात होती है। बाकी वीडियो मेरे को पता नहीं कैसी लगेगी यार, परेशान मत हो, तुम आ रही हो, बात कर लो एक बार। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चिक चिक बूम फायर।